हेलो फ्रेंड कैसे हैं आप दोस्तों so, आज मैं आपको बता तो रहा सैमसंग के होम स्क्रीन होम स्क्रीन कस्टमाइजेशन के लिए कमाल के हिडन टिप्स बताने वाला हूँ या बोल सकते हैं हिडन टिप्स बताने वाला हूँ जिससे आप अपने मोबाइल की जो होम स्क्रीन पे ऐप्स को है न, बहुत ही अच्छे लेवल में कस्टमाइज कर पाएंगे और जिसको बाद में आप इजिली और यूज कर सकते हैं क्या ये फीचर है कहा मिलेंगे कैसे यूज करेंगे सारी डिटेल मैं आपको आगे बताने वाला हूँ आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लो नोटिफिकेशन तो बेल आइकन दबा दो ताकि अपडेट आपको सबसे पहले मिले और हो सके मुझे इंस्टाग्राम फेसबुक पर भी फॉलो करें चलते हैं दोस्तों आगे मेरा नाम है और आपका स्वागत है मेरे चैनल टेक में दोस्तों जैसा कि मैंने बताया मैं आपको बता रहा हूँ सबसे पहले होम स्क्रीन कस्टमाइजेशन का जो कि मुझे सबसे बेस्ट लगा यार होम स्क्रीन कस्टमाइज करने के लिए बहुत ही शानदार फीचर है वो फीचर यह है कि आप ये जो ऐप्स दिख रही है ना होम स्क्रीन पे आप देख सकते हैं ये जो होम स्क्रीन पे ऐप्स दिख रही है ना इनके जो साइज़ है ना उसको कम ज़्यादा कर सकते हैं इसके नीचे जो नाम्स दिख रहे हैं आप उनको हटा सकते हैं और इसके अंदर जैसे मेरे चार हैं मैं आप इसमें सात भी एड ऑन कर सकते हैं मतलब बहुत ही अच्छा कस्टमाइजेशन का ये फीचर है कैसे मिलेगा तो उसके लिए सबसे पहले आपको करना क्या है अपने मोबाइल की जाना गुडलक वाली ऐप में चले आना है गुडलक वाली ऐप में जाने के बाद आपको क्या करना है आपको गुडलक वाली ऐप में चले आना गुडलक वाली ऐप में जाने के बाद आपको मेकअप वाले सेक्शन पे जाना है एंड देन होम अप वाले फीचर में चले जाना है होम अप वाले फीचर में जाने के बाद आपको सबसे नीचे एक ऑप्शन मिलेगा या बोल सकते हैं उसके अंदर होम स्क्रीन वाले में जाने के बाद सबसे नीचे आपको एक ऑप्शन मिलेगा ऐप आइकन सेटिंग जो कि बहुत बेस्ट है यार बहुत बेस्ट फीचर है आपको इसके अंदर चले जाना है इसके अंदर जाने के बाद आपको इसको कर लेना है ऑन और ये बाय डिफॉल्ट होगा आपका हंड्रेड पे ठीक है आप इससे बड़े और कम ज्यादा कर सकते हैं मैंने उसको कर दिया कम पे साथ में मैंने क्या करा शो ऐप आइकन लेवल ऑन होम स्क्रीन लिखा है आप इसको बंद कर देंगे तो अब क्या होगा आप देखेंगे ऐप के नाम वहां पर नहीं दिख रहे आप देख सकते हैं साइज भी छोटे हो गए और ऐप के नाम नहीं दिख रहे हैं और ऐप ट्रे में जाएंगे तो वहां तो दिख रहे होंगे पर यहां पर नहीं दिख रहे हैं आप देख रहे हैं जैसे कि मैंने होम स्क्रीन पे उसको ऑफ कर दिया है अगर आप चाहते हैं कि आपके ऐप स्क्रीन वाले पे भी ना दिखें तो आप उसको यहाँ से हटा दो अब आपके ऐप स्क्रीन पे भी वो नाम नहीं दिख रहे होंगे आप देख सकते हैं ऐप स्क्रीन पे भी आपके नाम नहीं दिख रहे हैं ठीक है अब इसमें और एक और हिडन फीचर जो बताने वाला हूँ आपको जो कि मुझे बहुत शानदार लगता है वो ये है अब आप क्या कर सकते हैं अपने फेवरेट में मैक्सिमम से को सेव मैक्सिमम नाइन यहाँ पर ऐप को काउंट कर सकते हैं आपने इसको ऑन कर दिया अब इसके बाद क्या कर सकते हैं आप यहाँ पर नाइन ऐप्स लगा सकते हैं कैसे जैसे कि मैंने यहाँ पर लगाया कैलरी को लगा दिया तो आप देख सकते हैं अब इसके अंदर मैंने इतनी सारी ऐप्स को यहाँ पर लगा दिया तो अब आप इतनी सारी ऐप्स को अपने यहाँ होम स्क्रीन पर लगा सकते हैं सॉरी नीचे फेवरेट वाली टैब पर लगा सकते हैं और जिससे आप बहुत ही क्विकली अपना जो भी काम है अपना जो भी टास्क है इजीली कर सकें अपनी फेवरेट ऐप को यहाँ पर ऐड ऑन करके मैंने फटाफट यहाँ पर ऐड ऑन कर दी थी जल्दी जल्दी में बट आप अपनी इंपॉर्टेंट है जो भी आपकी डेली लाइफ के लिए यूज़ होती हैं आप उनको यहाँ सेट आउट करके और क्विकली उन फीचर्स का यूज़ कर सकते हैं तो बहुत ही कमाल का ये फीचर था जिसके बारे में मैंने आपको बताया बहुत ही शानदारी टिप थी छोटी सी टिप थी पर बहुत इंपॉर्टेंट है ऐसी नए अपडेट्स के लिए चैनल को ज़्यादा सब्सक्राइब कर लेना थैंक यू सो मच मुझे उम्मीद है कि आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी अगर आपको मेरी वीडियो पसंद है तो प्लीज लाइक जरूर कर अगर आपको लगता है कुछ कमी है मेरी वीडियो में तो मैं डिसाइक हो सकते हैं या फिर अगर आप मुझसे कुछ पूछना चाहते हैं इस रिलेटेड या कुछ भी आप डायरेक्टली कमेंट करके पूछ सकते हैं या फिर डायरेक्टली इंस्टाग्राम फेसबुक पर डीएम करके भी पूछ सकते हैं सबसे जरूरी चीज़ अगर अभी तक आपने मेरे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कर लो बेल आइकन दबा दो ताकि ऐसी नई अपडेट आपको सबसे पहले मिले और हो सके मुझे इंस्टाग्राम फेसबुक पर भी फॉलो करें थैंक यू सो मच